मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब किंग्स के लिए चमत्कारी रन चेज करने वाली शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की जोड़ी इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वही मैचअप दिखाने से बाल बाल बच गई। 183 रन के टारगेट के जवाब में पंजाब को आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन चाहिए थे, लेकिन शशांक आशुतोष ने मिलकर अनुभवी जयदेव विनाकर के खिलाफ 26 रन ही बना पाए और जीत महज 2 रन दूर रह गई। पंजाब एक वक्त 15.3 ओवर में 114 रन पर अपने 6 विकेट गवा चुका था, हार का खतरा मंडरा रहा था। यहां से शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने मिलकर सिर्फ 27 गेंदों पर 66 रन जोड़े। दोनों अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त पावर हिटिंग दिखाई। 84 रन के टारगेट के जवाब में पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही, लेकिन शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा के जज्बे की दाद देनी होगी, जो अंत में अपनी लप्पेबाजी से टीम को लक्ष्य के करीब ले गए, लेकिन जीत नहीं दिला सके। सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच के दौरान 3 कैच छोड़े, पर करीबी मैच में जीत से उसके अब 6 अंक हो गए हैं। टीम के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 32 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि कप्तान पैट कमिंस, टी नटराजन, नीतीश कुमार रेड्डी और जयदेव उनादकट ने एक एक विकेट लिया। जॉनी बेयरस्टो को बिना खाता खोले ही पैट कमिंस ने क्लीन बोल्ड कर दिया। भुवी ने तीसरे ओवर में प्रभसिमरन सिंह और फिर पांचवें ओवर में शिखर धवन को आउट कर 2 झटके दे दिए। पावर प्ले में पंजाब किंग्स 3 विकेट गवा कर 27 रन ही बना पाई थी। सिकंदर रजा ने पहले सैम करन के साथ मिलकर 4th विकेट के लिए 38 रन और फिर 5वें विकेट के लिए शशांक सिंह के साथ 33 रन की भागीदारी की। सिकंदर रजा ने महत्वपूर्ण 28 रन बनाए थे। करन 10वें ओवर में टी नटराजन की गेंद का शिकार हुए और फिर 14वें ओवर की पहली गेंद पर रजा को विकेट कीपर क्लासन ने कैच आउट किया। सैम करन 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। आधी टीम 91 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी, जिससे पंजाब किंग्स की राह बहुत मुश्किल लग रही थी। 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 5 विकेट पर 105 रन था। उसे 30 गेंद में 78 रन की जरूरत थी। शशांक और आशुतोष ने शानदार जज्बा दिखाया, लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। जहां शशांक सिंह ने 25 गेंद में नाबाद 46 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का भी शामिल था, वहीं आशुतोष शर्मा ने 15 गेंद में 33 रन नाबाद बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने युवा नीतीश कुमार रेड्डी की 37 गेंद में संयम से खेली गई 64 रन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया था। पंजाब किंग्स के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 29 रन देकर 4 विकेट अपनी झोली में डाले। हर्षल पटेल और सैम करन ने 2-2 विकेट झटके, जबकि ककिसो रबाड़ा को भी 1 विकेट मिला। फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद टीम 182 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। नीतीश ने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और 5 छक्के जड़े। उनके अलावा अब्दुल समद ने 12 गेंद में 25 रन और ट्रेविस हेड ने 15 गेंद में 21 रन का योगदान दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरें